लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली 22 सड़कों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। करीब 160 किलोमीटर लंबाई की सड़कें कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में बनाई जाएंगी। इन पर करीब 88 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सराहना करते हुए इसे गांवों की समृद्धि का रास्ता बताया। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा की 22 सड़कें जिनकी लंबाई अनुमानित 160 किलोमीटर है, 88 करोड़ रुपए की लागत से सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देश के संपूर्ण गांवों को सड़कों को जोड़ने की व्यापक योजना है और इसके माध्यम से गांव में समृद्धि खुशहाली आएगी। जिस जिस गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य योजनाओं से जो गांव सड़कों से जुड़ा है वहां आवागमन की सुविधा तो हुई है, लेकिन आवागमन की सुविधा के साथ उस गांव में समृद्धि आई है, खुशहाली आई है, व्यापार उद्योग और एजुकेशन अन्य सेक्टर के अंदर भी समृद्धि आई है। क्योंकि मूलभूत रूप से जब गांव सड़कों से जुड़ता है तो सड़कों से जुड़ने के साथ ही उसकी समृद्धि का हो जाता है। हमारी कार्य योजना है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सभी गांवों को हम बेहतर तरीके से सड़क योजना के तहत जोड़ सके, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे नरेगा का माध्यम हो, तमाम माध्यम से हर गाँव सड़क से जुड़े। और उसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर गांव के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले, अच्छे हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, खेल के मैदान हो, तमाम मूलभूत सुविधाएं अगर गांव में होगी तो गांव से शहर की ओर पलायन नहीं रखे। इसके साथ ही क्योंकि कोटा बूंदी और हाड़ोती संपूर्ण रूप से एग्रीकल्चर बेस है, कृषि पर आधारित हमारी इकोनॉमी है, हम किस तरीके से गाँव के अंदर एग्रो बेस इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आने वाले समय में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ पूरे संभाग के अंदर और राजस्थान सहित अर्श के अलिस्ते के अंदर एग्रो बेस इंडस्ट्रीज का एक नया चलन नई नीति सरकार ने बनाई, जिसके माध्यम से गांव के अंदर हम एक कृषि उत्पादन केंद्र बनाकर वहां पर लोगों को अपनी उपज को पास में बेचकर और वहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें ताकि गांव से शहर की ओर नौजवान पलायन नहीं करें।